ये फैसला ये है, नवाज शरीफ और उनकी बेगम साहबा और मरियम साहबा ने मिल के ये फैसला किया है कि जू ही डॉक्टर कलसूम नवाज साहबा को इजाज़त दें वो पाकिस्तान जाएं, एमएनए का हलफ उठाएं, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी मुस्ताफी हो जाए और उनकी जगह कलसूम नवाज साहबा को वजीर अजम बना के नवाज शरीफ और सारा टब्बर दोबारा वजीर अजम हाउस में दाखिल हो जाए। तो फिर वही कहानी ये दोबारा से शुरू हो उनकी, जाएगी। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर से ऑथेंटिक जराए ने ये खबर दी है कि वो चले जाएंगे, वो इस तो दौरे के लीडर की बाद खिदमत में इस्तीफा वगैरह पेश किया नहीं पेश कर किया? देंगे। नहीं तो वो तो असेंबली में करना होता है ना, अच्छा, असेंबली एक में। लाइन एक लिख के दे देना है अच्छा, कि जी मैं आई हेयर बाई तो फिर रिजाइन। वही कहानी, वो नहीं बस सुने फर्क क्या पड़ा? फिर भी अदालतों का मजाक उड़ेगा, फिर वही खेल। तो पहले नहीं करना था ये? नहीं, ये क्या ये जो ही वो ठीक हो गए, चलने फिरने के काबिल होती हैं, वापस आएंगी असम्बली जाएंगी और नया वजीर आजम उनको बनाया जाएगा, जैसे यादव प्रसाद क्या ये उसका, इनका इनका प्लान है या ये फाइनल हो चुका है? नहीं सुने, उसको बनाया जाएगा और फैसला यही है कि वो कुलसूम साहबा वजीर आजम के अहदे पर बैठेंगी लेकिन इख्तियारात का पेन जो है मरियम साहबा इस्तेमाल करेंगी।